मैनपुरी से शिवपाल यादव लड़ सकते हैं। अभी वो जसवंत नगर सीट से विधायक हैं और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक से ज्यादा सीट मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद सहमति नहीं बनी थी और अपनी पारंपरिक सीट से ही उनको चुनाव लड़ना पड़ा था। एसपी विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से दावेदारी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को एक और झटका देने के मूड में हैं। शिवपाल यादव ने ऐलान किया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी पूरी शिद्दत से और पूरी गंभीरता से लड़ेगी। मैनपुरी से अगला लोकसभा चुनाव मुलायम सिंह के नाम लड़ने की अटकलों के बीच शिवपाल के इस घोषणा ने सबको चौंका दिया है। इसी कुल के अगुआ जो भगवान कृष्ण के रूप में जो पैदा हुए हैं, इन्होंने जो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें भुगाव, किशनी, करहल, जसवंत नगर और मैनपुरी है। इनमें 2 सीटें बीजेपी और 3 सीटें एसपी के पास है। मुलायम स्वास्थ्य कारणों से राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय नहीं है। नेताजी की गैर मौजूदगी में शिवपाल मैनपुरी को अपनी उम्मीदवारी के लिए फिरोजाबाद से अधिक मुफीद मान रहे हैं। और खबर आ रही है कि शिवपाल यादव मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैनपुरी से फिलहाल अभी सांसद हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में समाजवादियों का मजबूत गढ़ माने जाने वाला मैनपुरी से शिवपाल यादव ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। 2019 में करीब 91,000 वोट से मुलायम मैनपुरी से चुनाव जीते थे। 2019 में शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर भी यादव परिवार का मजबूत असर माना जाता है। वोट पटने से ये सीट एसपी के हाथ से फसल कर बीजेपी के खाते में चली गई थी। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की विधानसभा से लगभग 69,000 वोटों से नेताजी चुनाव जीते हैं, तो हम सबकी इच्छा है। प्रगतिशील पार्टी इस बार लोकसभा बहुत गंभीरता से लड़ने जा रही है। बिल्कुल, हम लोग की पूरी तैयारी है। हम लोग भी सारी स्ट्रेटजी वही अपना रहे हैं जो अगले 6 महीने के प्रोग्राम तय कर रहे हैं। शिवपाल कई मौकों पर दोहरा चुके हैं कि अब उनका या उनकी पार्टी का एसपी से कोई नाता नहीं है। ऐसे में नेताजी के चुनाव न लड़ने पर एसपी के घर में एक बार फिर 2024 में पीएसपीएल दांव खेल सकती है। शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी तो चाहेगी ही कि शिवपाल यादव न सिर्फ मैनपुरी से बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारें और पूरी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ें, जिससे कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वो डेंट पहुंचाएं और समाजवादी पार्टी को जितना नुकसान होगा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उतना ही ज्यादा फायदा होगा। विडन सुफीकान के साथ अनिल यादव, न्यूज 8 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कोर कमेटी ने बड़ा फैसला किया, जिसके तहत शिवपाल खेमे में समाजवादी पार्टी से किसी भी तरह के गठबंधन के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी पार्टियों से गठबंधन की राहें खुली रहेंगी। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव मैनपुरी लोकसभा